चिंतन। एक आइसक्रीम बेचने वाला जब गली में आता, आवाज लगाता तो आसपास बच्चे घेर लेते। वो इस गली से रोज गुजरता था, पर उसने ऑब्जर्व किया कि एक बच्चा घर से बाहर नहीं आता था, पर खिड़की में बैठा बड़े गौर से उसे देखता। बच्चे आइसक्रीम खरीदते खाते, वो दूसरे बच्चों को आइसक्रीम खाते देखता, और ऐसे देखता हसरत भरी निगाहों से जैसे उसका भी खाने को मन कर रहा हो, पर वो खिड़की में बैठे देखता, कभी भी घर से बाहर नहीं आया। कुछ दिन बाद आइसक्रीम वाला खुद उस खिड़की के पास गया। उस दिन बच्चा थोड़ा सा उदास था, सैड था। आइसक्रीम वाले ने कहा, बेटा आप बड़े उदास हैं, पापा ने डांटा है। इतना कह रहा था कि बच्चा तो सुबक पड़ा, बोला मेरे पापा नहीं है। अच्छा तो मम्मी ने डांटा है? हाँ। सब बच्चे मुझसे आइसक्रीम लेके खाते, तुम्हारा मन नहीं करता? बच्चा बोला, मन तो करता है पर पैसे नहीं है। अरे पैसे कौन मांगता है यार, मैं तुम्हें वैसे ही देता हूं। बच्चा बोला, नहीं चाहिए, मम्मी कहती है मुफ्त में कभी किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। मम्मी ठीक कहती है, लेकिन मैं मुफ्त में थोड़ा ही दे रहा हूं भाई। देखो इधर देखो, ये अपना उदास सा चेहरा ना अगर मुस्कुराहट में बदल सको, थोड़ा सा हंस के दिखा दो, तो वो इस आइसक्रीम की कीमत होगी। सच, बच्चा तो सचमुच वैसे ही खिल गया। हाँ, थोड़ा सा और स्माइल दो और आइसक्रीम लो। बच्चे ने स्माइल दी, आइसक्रीम वाला खुश हो गया, और बच्चा आइसक्रीम पाकर वो भी खुश हो गया। आइसक्रीम वाला चला गया, पर उसे लगता था कि आज उसकी कमाई कुछ एक्स्ट्रा हुई है, आज उसको कुछ से ज्यादा ही मिला है। पर उसका तो रोज का काम था इस गली से गुजरना। रोज बच्चा खिड़की में बैठा होता, ये खिड़की के पास जाता और कहता है, चाहिए आइसक्रीम तो स्माइल दो। बच्चा मुस्कुराता और आइसक्रीम खाता। फिर एक दिन आइसक्रीम वाले ने देखा कि खिड़की में बच्चा नहीं बैठा है, वो परेशान हो गया। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे, वो ठीक तो है, इतना प्यारा बच्चा है। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा नॉक किया तो एक महिला आई। बहन जी वो बच्चा, देखिए भाई साहब आप मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, मैंने उसे सख्ती से मना किया है कि वो ऐसी चीज लेकर के ना खाए जिसके वो पैसे ना चुका सके। बहन जी वो जो कीमत अदा करता है आइसक्रीम की, वो तो कोई कर ही नहीं सकता। अब मैं आपको कैसे बताऊं, मेरा अपना बेटा तो कुछ साल पहले इस दुनिया से विदा हो गया। एक महामारी का शिकार होकर के मेरी पत्नी भी और मेरा बेटा भी मुझे छोड़ गए, पर तुम्हारे बेटे की मुस्कान में पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे इन सभी बच्चों में जैसे मेरा परिवार मेरा संसार बसा है। आप प्लीज उसे मत रोकिए, और वो कीमत अदा करता है मुस्कुरा कर। बहन जी वो मुस्कुराहट मेरे लिए बहुत कीमती है। बच्चा पीछे छुपकर सुन रहा था, ये कहते ही मां के आंचल के पीछे से उसने अपना चेहरा दिखाया और मुस्कुराया। ये मिल गई कीमत मुझे आइसक्रीम की। बहन जी मुझे रोकिए मत, बस यूं समझिए इसके मामा की ओर से इसके लिए उपहार, और देखना जैसे आपने इसको संस्कार दिए हैं ना, ये बच्चा बड़ा होकर कितने लोगों को मुस्कुराहट बांटेगा।